सो so, दस से ग्यारह लाख के प्राइस ब्रैकेट एक बहुत ही वर्ल्ड प्राइस ब्रैकेट रहता है जिसके अंदर आप एक कॉम्पैक्ट एस और एक हैशबैग में काफी कन्फ्यूज रहते हैं तो उसी को मैं दूर करने के लिए यहाँ पर कंपेरिजन वीडियो लेकर आ चुका चू, हूँ जो कि रहने वाला है हमारे वेन्यू का एस ऑप्शनल वेरियंट के अंदर और साथ में ही किया के सोनेट और किया का सोनेट का जो वेरियंट आप यहाँ पे चूज़ करा जा रहा है वो है एच टी के ऑप्शनल वेरियट एच टी के ऑप्शनल वेरियंट जो है वो कंप्लीटली मतलब कि वेन्यू के साथ ही टक्कर लेता है क्योंकि भाई वहाँ वेन्यू का एस ऑप्शनल है और यहाँ पे हमारी सोनेट का एच टी के ऑप्शनल वेरियंट है अब दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं और क्या क्या दोनों में डिफेंस रहते हैं मैं आज इसी बात बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और क्या क्या चीज़ें रहेंगी चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कार के सबसे फ्रंट प्रोफाइल के साथ में जो फ्रंट प्रोफाइल है ना वो आप स्टार्ट करते हैं वेन्यू के साथ तो देखिए वेन्यू का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको डीआरएस देखने को मिल जाती है यहाँ पे ऊपर इंडिकेटर की प्लेसमेंट एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और एक हेलोजन में मिल जाएगा लेकिन एक चीज अच्छी यहाँ पे कि आपको कॉर्निंग हेडलैप्स मिल जाते हैं वेन्यू के अंदर अब फायदा ये है कि आप जब इसको कॉर्निंग पे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर थ्रो देखने को मिलने वाला है बाकी यहाँ पे आप ग्रिल को चेकआउट कर सकते हैं बट यहाँ पर कोई भी फॉग लैम्स की प्लेसमेंट नहीं की जाती है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी वेन्यू की ग्रिल काफी मैसेज साइज की दिखे एंड यहाँ पर आपको क्रोम का यूज देखने को मिलता है यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे सोनेट में तो यहाँ पे आपको डी की जगह पे एज अ सिर्फ क्रोम का टच देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर बेस्ड हेड मिल जाएंगे इंडिकेटर और नीचे की तरफ को फॉग लैम्स की प्लेसमेंट दी जाती है जो कि वेन्यू में मिसिंग है यहाँ पे आप ग्रिल को देखेंगे टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिलेगी काफ़ी मैसव साइज की है जो ये ऑप्शनल वेरियंट है इसके अंदर आपको कॉस्मेटिक चेंजेस इंटीरियर में और आउटसाइड देखने को मिल जाएंगे ग्राह पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको वेन्यू से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा जिसकी वजह से ये कार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है किसी भी ऑफ रोडिंग की कंडीशन के अंदर उसी के साथ अब बात करते हैं वेन्यू के हम साइड प्रोफाइल की तो देखिए भाई साइड प्रोफाइल में जब आते हैं तो यहाँ पे जो वेन्यू का टायर सेक्शन है ना वो आपके एक सौ पंचानवे आर पंद्रह के स्टील रिम के साथ अब भाई ये स्टाइलों रिम में नहीं आते हैं आपको नॉर्मल स्टील रिम में देखने मिलेंगे आप पीछे भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम मिलेगा और यहाँ पे भी आपको मतलब कि व्हील कवर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इंडिकेटर्स ऑन द फेंडर्स मिल जाएंगे बॉडी कलर देखने को मिलते हैं उसी के साथ अगर बात किया जाए यहाँ पे डोर हैंडल्स की तो डोर हैंडल ऐसा बॉडी कलर में देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं ऊपर रूफ रेल्स भी प्रोवाइड की गई हैं और शाफिन एंटीना भी दिया जाता है कोई भी इसके अंदर इस मॉडल में आपको कोई भी सनरूफ का ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है ऑन द अदर हैंड अगर बात किया जाए वेन्यू को हटाते हुए सोनेट में क्या कुछ मिलता है तो सोनेट की जब बात करते हैं तो टायर सेक्शन की तो इसमें आपको एक इंच टायर सेक्शन ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पे फेंडर्स पे हेडलैम इंडिकेटर्स मिल जाएंगे यहाँ पे जो स्टाइलू रिम दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में और आरबी में इसके रिट्रैक्टेबल तो फोल्ड मिलते हैं बट ऑटोमेटिक एंड बट फोल्डेबल आपको इसमें मैनअल ही करना पड़ेगा जो कि वेन्यू में ये चीज़ आपको मिल जाती है उसी के साथ बॉडी कलर है इसमें भी ये आपको मिल जाते हैं डोर हैंडल्स एंड साथ में आप उस पर पे स्पेस कट कर सकते हैं ऊपर की तरफ रहा रूफ रेल्स की प्लेसमेंट दी गई है एंड इस कार के अंदर आपको शाकुन एंडीना प्लस सन भी देखने को मिल जाती है मतलब इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर सन की बात दी गई है चलिए मैं लास्ट में आपको इसका प्राइस ब्रैकेट बताऊँगा कि दोनों का प्राइसिंग क्या रहने रहनी एक्जैक्टली अब आते हैं वेन्यू के बैक प्रोफाइल पर एंड यहाँ पे चेकआउट करें बैक प्रोफाइल को तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेलैम्प देखने को मिल जाएंगे और नीचे पूरा आप देख सकते हैं एल सेटअप में देखने मिल रहा है कनेक्टेड टेल लैंप्स जो कि यार काफ़ी अच्छी लगती है देखने में क्योंकि यार मॉडर्न कार लगती है देखने में नीचे वेन्यू की बैजिंग और ऊपर की तरफ आपको कोई भी यहाँ पे बोला जाए वॉशर वाइपर नहीं मिलता डिफॉगर की प्लेसमेंट की गई है साथ में आपको यहाँ पर हाई मोटेज स्टॉप लैम्प मिल जाएगा उसी के साथ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इसके कुछ बैक प्रोफाइल को साथ में आपको जो बैकलाइट है वो नीचे की तरफ प्लेस कर दी गई है कंप्लीट यहाँ पर एल सेटअप देखने मिलता है जो टेल लैम्स का जो कि ऐसा गाइको मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक देखने में लगता है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे साथ साथ में आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है वेन्यू के बैचिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है एंड उसी के साथ अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो दो ही मिलते हैं और यहाँ पर देख सकते रिफ्लेक्टर के साथ आपको बैक लाइट देखने को मिल जाएगी अब बूट कपैसिटी की अगर बात किया जाए तो यार अब बूट कैपैसिटी आपको थोड़ी सी यहाँ पर कम मिल सकती है चले मैं बात करूँगा उसके बारे में यहाँ पर आप सिल्वर कलर की किसके प्लेट को चेकआउट कर सकते हैं काफ़ी अच्छी लगती है चलिए अब बात करते हैं बूट कैपेसिटी के एंड ओपन करते हैं बूट को यहाँ पे मैग्नेटिक बटन दिया गया है अब बूट की बात करें तो इसमें आपको 350 लीटर का बूट कैपेसिटी मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको पार्सल भी और प्रोवाइड की जा रही है नीचे आप देख सकते हैं बूट आपको डिसेट साइज का मतलब मिलता है ठीक ही ठाक है मतलब कि कार कॉम्पैक्ट ऐसी भी होने के साथ साथ आपको अच्छा खासा स्पेस दे देती है यहाँ पर आपको जो रिम मिलता है वो स्टाइल बोलेंगे स्टील में मिल जाएगा आपको स्टेफनी व्हील और सेम यहाँ पर आपको साइज और पंद्रह मतलब कि पंद्रह इंच का है यहाँ पर स्टील में रहने वाला है तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर कुछ बूट कपैसिटी मिल जाती है उसी के साथ अब बंद करते हैं बूट को और चेकआउट करते हैं कुछ सोनेट के बूट कैपैसिटी को अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो टेल लैम्प को अब टेल लैम्स में भी कनेक्टेड मिल जाते हैं लेकिन ये एलूमिनेट नहीं होते हैं ऊपर की तरफ हाई मोन्डल स्टॉप लैम्प और यहाँ पे आपको डिफॉगर प्लस यहाँ पे वाइपर एंड वॉशर कुछ भी यहाँ पे भी नहीं मिलता है यहाँ पर आप जो देख सकते हैं लाइट को कि एलईडी में तो है बट यहाँ पे सेंटर में जो आपको कनेक्टेड है ना वो कनेक्टेड नहीं मिलती है यहाँ पर आपको पहले शो के लिए मिलती है सोनेट की बैजिंग देखने मिल जाएगी यहाँ पे आप दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और चेकआउट कर सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पे दे दिया जाता है नीचे यहाँ पे बैकलाइट देखने मिल जाएगी यहाँ पे जो आपको रिफ्लेक्टर्स है ना वो थोड़े से बड़े साइज के मिलते हैं वेन्यू के कंपेरिजन में बाद में चेक करते हैं इसके बूट कैपैसिटी को अब बूट कपैसिटी यहाँ पर वेन्यू से थोड़ा सा ज़्यादा मिलती है तीन लीटर की मिल जाती है बट एक कमी है कि यहाँ पर आपको कोई पार्सल ट्रे प्रोवाइड नहीं की जाती है आप यहाँ देख सकते हैं हुक तो प्रोवाइड है बट यहाँ पर कोई पार्सल ट्रे दिया नहीं गया बूट लैम्प भी इसमें आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता है नीचे की तरफ जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो, तो जो स्टेफनी व्हील है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है ए आर सोलह की मतलब कि आपको सोलह इंच की स्टेफनी व्हील देखने को मिल जाने वाली है अब स्टाइल रूम तो इसमें तो नहीं मिलता है बट बाकी स्टाइल रूम मिलता है जिसकी वजह से कार काफ़ी सुंदर लगती है देखने में चलिए बूट को बंद करते हैं यहाँ पर आपको जो सीट दी वो आपको बेंच फोल्ड मिलेगी अब यहाँ पे सेकंड रो की बात किया जाए तो वेन्यू का आप यहाँ पे इंटीरियर चेकआउट कर सकते हैं ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में साथ साथ में यहाँ पे बेज कॉम्बिनेशन भी दिया गया सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर और नीचे यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल देखने मिल जाएगा यहाँ पे बैच कॉम्बिनेशन दिया गया है बॉडर होल्डर स्पेस एंड स्पीकर रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है कार की सीट्स आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर अच्छी फिटिंग दी गई है और साथ साथ में यहाँ पे थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं सेंटर में आमरेस नहीं दिया गया बट यहाँ पे जो सिक्सटी फोटी स्प्लिट मिलता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है यहाँ पर आप कार की सीट को सिक्सटी फोटी स्प्लिट कर सकते हैं साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थ्री पिन आपको सीट बस देखने को मिल जाएंगी अब यहाँ पे अगर बैठ के दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे स्पेस अच्छी मिल जाती है नीचे आपको दो एस पोर्ट मिल जाएंगे फास्ट चार्जिंग के लिए एंड यहाँ पे दो ए सीवेंट्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है ऊपर आपको कैबिन लैम जहालोजन में देखने को मिल जाता है तो कुछ इस प्रकार का सेकेंड रो है इसका यहाँ पर सीट जो है काफ़ी कम्फर्टेबल है स्पेस में कोई खराबी नहीं है स्पेस आपको अच्छी मिलती है अब सोनेट की बात किया जाए तो सोनेट के अंदर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं सिल्वर और यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने मिलता है और जो यहाँ पे अलग बनाती है वो यहाँ पे है इसकी सनशेड्स सिल्वर फिनिश में यहाँ डोर ओपनर यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे नीचे स्पीकर प्लेसमेंट बॉडो होल्डर स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है इसमें डबल मिलती है ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगी इस बॉडो होल्डर्स में यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट uh, देखने को मिल जाएंगे दो ही मिलेंगे और यहाँ पे एडजस्टेबल थ्री यहाँ पे सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगे अब उसमें तीन मिलते हैं इसमें आपको दो ही देखने को मिलते हैं अब यहाँ पे नी रूम थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है क्योंकि यार मैंने सीट को काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखा है लेकिन स्पेस में अभी अच्छी है यहाँ पे दो ए सीवेंट्स और नीचे की तरफ आपको यूस बी सी पोर्ट मिल जाएंगे फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको ग्रैप हैंडल ऐसा सॉफ्ट टच में नहीं देखने को मिलते हैं ऊपर कैमिन लैम यहाँ भी हेलोजन आपको दिया गया है अभी यहाँ पे सीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थोड़ी पॉकेट भी दी गई जिसमें आप थोड़ा सा सामान भी स्टोर कर सकते हैं कार की सीट कंफर्टेबल है यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज़ देखने को मिल जाएगा कोई भी लेदरा स्टिचिंग देखने को नहीं मिलती है चलिए अब वेन्यू के साथ चलते हैं और वहाँ पर चेकआउट करेंगे कुछ इसके फ्रंट प्रोफाइल में अब यहाँ पर वेन्यू में चेक कर सकते हैं आप काफ़ी बैसे साइज का यहाँ पर डोर दिया जाता है यहाँ पर आप चेकआउट करिए तो आपको यहाँ पे डोर ओपनर साथ साथ में आपको यहाँ पे स्विटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट साथ में यहाँ पर ऑल फोर पावर इंडि कंट्रोल एंड साथ में ओवरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे और आरवीएम को यहाँ पे आप फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हैं सिर्फ रिट्रैक्ट कर सकते हैं अब ऑटोमेटिकली जो कि मैं वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था तो आप यहाँ पर इसको मैनुअल ही बंद या ओपन करना पड़ेगा आपको अब यहाँ पे बॉडल स्पेस अच्छी खासी मिलती है साथ में बात किया जाए यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की तो यहाँ पे आपको हाइड्रजन के साथ सीट देखने को मिल जाएगी ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छी सीट लगती है देखने में कार की यहाँ पे कोई भी ऐसा कंफर्टेबल की कंफर्ट की बात किया जाए तो मैं कहूँगा कि कंफर्ट मुझे ज़्यादा सोनेट में ज़्यादा लगा है चलिए उसकी बात बाद में करते हैं उसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं तो जो इसका इंटीरियर है वो ठीक में अच्छा लगता है मतलब लग्जरीज लगता है आपको देखने में यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखेंगे तो फुल डिजिटल में देखने को मिलेगा सेंटर में हम आई डी देखेंगे मिलेगी इंस्ट्रूम आपको देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल साथ साथ में आपको यहाँ पे आइडल स्टार्ट आपको बटन और हेड एडजस्टमेंट इसी इवेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं यहाँ पे टिल्ट सिर्फ देखने को मिलता है नो टेलीस्कोपिक देखने को मिलेगा यहाँ पर आप यहाँ पे स्टेड मॉटर कंट्रोल चेक कर सकते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको देखने को दोनों मिल जाएंगे स्क्रीन यहाँ पे आपको 8 इंच की देखने को मिल जाती है एंड्रॉडो एल अपर काफले इसमें दोनों आपको मिल जाएगा मैनुअल बटन भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे कार का टी टच स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है एंड यहाँ पे आपको कुछ बटन मिल जाएंगे हज़ ए लेट बटन एंड यहाँ पे आपको एसी जो मिलता है वो मैनुअल में देखने को मिलता है कोई भी एजा ऑटोमेटिक एसी देखने को नहीं मिलता नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे यू एस ए पोर्ट बारह वोल्ट का पावर और साथ में यू एस बी पोर्ट मिल जाएगा ऐसा फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस एंड यहाँ पे आपको नॉब देखने नॉब के साथ आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगा कप होल्डर स्पेस मिल जाएगी आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको दो कप होल्डर स्प मिलती है पीछे की तरफ आपको यहाँ पे हैंडल्स देखने को मिल जाएगा इसके अंदर भी आपको डिसेंट साइज की स्पेस दी गई है थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मैसेड साइज का नहीं मिलता थोड़ा सा नॉर्मल साइज का ही देखने को मिलेगा आई हम वी यहाँ पे आपको मैनुअल देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है पीछे की तरफ तो आपको कैबिन लैब मिल जाएगा यहाँ पे सादा मामला है एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट टच के साथ नहीं आते हैं यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी दी गई है उसी के साथ सनशेड में देखेंगे तो आपको यहाँ वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड हो जाता है को पैसेंजर साइड के लिए एंड यहाँ ड्राइवर साइड के लिए कुछ भी दिया नहीं गया इवन टिकेट होल्ड भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता आप कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं जो कि मतलब देखने में अच्छा लगता है कोई ख़राबी नहीं है यहाँ पर चलिए इसके बोनट को ओपन करते हैं एंड वहाँ पर देखते हैं इसके इंजिनशन को उससे पहले चलिए हम बात करते हैं सोनेट के फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या दिया गया है क्या ये ज़्यादा कम्फर्टेबल है देखने में अच्छी लगती है कि नहीं तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसके डोर ट्रिम को यहाँ पे ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा कोई भी सॉफ्टस्ट नहीं मिलता है ऑफ फोर के कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पे आपको आर वी एम जो है यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल के साथ नहीं आते हैं रिट्रैक्टेबल तो आपको देखने को मिल जाएंगे सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कोई भी ऑटो आप ऑटो फोल्ड के साथ फंक्शन में देखने को नहीं मिलता डाउन के साथ आपके यहाँ पे ट्वेटर की प्लेसमेंट नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट अमरेला होल्डर एंड बॉटल स्पेस देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो इसमें आपको अमरेला होल्डर भी दिया जाता है कार की सीट यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैसी मिलेंगी आपको यहाँ पे हाइड्रेजन के साथ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे लेदराइस प्लस यहाँ पे बोला जाए फैब्रिक का अच्छा यूज़ किया गया है सीट की कवरिंग के लिए अब कार के अंदर मैं बैठ जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कार का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और साथ में स्टीरिंग व्हील को स्टेरिंग व्हील इसमें आपको नॉर्मल देखने मिल जाएगा राउंड शेप में ही साथ में आपको कंट्रोल देखने मिल जाएंगे स्टेयरिंग माउंटेड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रोमेंटल कंसोल के कंट्रोल एंड साथ में इंफोटेनमेंट के दोनों कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको सिर्फ टेड फंक्शन देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिंग नहीं है यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को चेकआउट कर सकते हैं फुल्ली डिजिटल में दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है छोटी सी एम आई डीज में प्रोवाइड की गई कलर की जिसमें आपको सभी फंक्शन फंक्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं उसी के साथ अगर बात किया जाए यहाँ पे आपको स्मूदर ड्राइव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है और कॉर्निंग पे ज़्यादा स्टेबल ही कार रह जाती है यहाँ पे आपको 8 इंच का एल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी फ्लुड टच में है देखने के लिए यहाँ पे, पे, पे मैनुअल कंट्रोल भी देखने मिल जाते हैं अजाब मतलब देख सकते हैं यहाँ पे टच काफ़ी फ्लूड दिया गया है इसमें आपको इसमें फ्रंट सेंसर्स भी दिए जाते हैं जो कि आपके वेन्यू में कहीं ना कहीं मिसिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं वेन्यू का में इसमें ऑटोमेटिक एसी दिया गया है इसकी कूलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है मतलब कि वेन्यू कंपेरिजन में इसमें कूलिंग भी काफ़ी अच्छी दी जाती है और उसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको यू एस बी सी पोर्ट एंड साथ में बारह वोल्ट बार का पावर शॉकेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे यू एस बी ए पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जिससे आप वाइड के थ्रू हमारे इन्फोटेनमेंट कंट्रोल में कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे ग्लव बॉक्स मेनू की कंपेजन में थोड़ा जड़ बड़े साइज का मिलता है यहाँ पे आपको गियर नॉब देखने को मिल जाएगा एंड साथ में आपको यहाँ पे कप होल्डर्स और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हैंड्रिस्क के अंदर देखने को मिल जाती है आई आर वी एम यहाँ पर भी मैनुअल प्रोवाइड ही किया जाता है आपको यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर साथ में आपको कैबिन लैम्प हेलोजन में एंड साथ साथ में आपको इस कार का सबसे अच्छा फंक्शन जो कि है सन पीस में प्रोवाइड कर दी जाती है अब वेन्यू में इसे मिस कर सकते हैं वेन्यू में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है तो मैं कहूँगा कि इस प्राइस ब्रैकेट में इसमें आपको अच्छा मिलता है प्राइस की बात करते हैं लास्ट में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कार का इंटीरियर कार की सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड टोटल सिक्स ईयर बैग इसमें देखने मिलते हैं सिक्स एयर बैग्स में वेन्यू में भी देखने को मिल जाते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल पार्क असिस्ट का यहाँ पे बटन मिल जाएगा यहां पे एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे एडल शॉट आपको बटन मिल जाएगा एंड साथ में आपको यहाँ पे इंडिकेटर कंट्रोल मिल जाएंगे एंड साथ में वाइपर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं चलिए अब इसके बोनेट को ओपन करते हैं एंड यहां बात करेंगे इंजन स्पेशन के तो अगर इंजन की बात किया जाए तो दोनों का इंजन सेम ही है मतलब कि दोनों को आपको बारह सौ सीसी काम को इंजन देखने को मिल जाएगा फोर सिलेंडर एंड साथ साथ में अगर हम पावर की बात किया जाए वेन्यू में तो वेन्यू में थोड़ी सी पावर आपको कम लग सकती है यहां पे आपको बयासी बी एच पी और एक सौ चौदह एन एम का टॉक देखने को मिल जाता है एंड जो इंजन स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो यहाँ पे कहा जाता है कि 45 लीटर के फ्यूल कैपेसिटी में ये आपको सत्रह पॉइंट पाँच तक का माइलेज दे देने वाली है तो देखा जाए कायदे से तो ठीक ही है मतलब कि कोई ख़राब यहाँ पे माइलेज आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन यार अब माइलेज कंपनी की बात किया जाए तो सोनेट इससे थोड़ा सा आगे निकल जाती है उसमें भी आपको सत्रह पॉइंट पाँच केम्पल तक मिलता है लेकिन अगर आप इसे हाईवे पर अच्छे से रन करते हैं तो आपको अच्छा माइलेज निकाल के दे करीब करीब बिजी पहुँच जाती है यहाँ पे भी इंजन आपको 1200 सौ सीसी का ही देखने को मिलता है यहाँ पे आपको बयासी बी की पावर और साथ में 115 सौ का टॉक मिलता है मतलब आपका सिर्फ एक एन का टॉक ज़्यादा मिल जाता है देखने के लिए तो दोनों ऐसा सेम ही है मतलब कुछ अलग नहीं क्योंकि दोनों में पेरेंट कंपनी है तो यार एक जैसा इंजन देखने के लिए दोनों में मिल जाता है तो अगर भाई सोनेट का देखा जाए तो सोनेट सामने से ज़्यादा एग्रेसिव लगती है और इसका लुक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज आज के टाइम में लगता है उसी हाट पर अगर वेन्यू की बात किया जाए तो वेन्यू आपको थोड़ी सी इसे आउटडेटेड सी फील होती है क्योंकि बाहर का यह डिज़ाइन इतना ज़्यादा इसका अपीलिंग नहीं लगता है अब प्राइसिंग की बात की तो वेन्यू आपको ग्यारह लाख अट्ठाईस हज़ार में ऑन रोड मिल जाने वाले एस ऑप्शनल वेरियंट सो so, इस प्राइस में अगर बात किया जाए तो वेन्यू के अंदर आपको कॉर्निंग हेडलैम्स मिल जाएंगे और साथ में डी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको सोनेट में नहीं देखने को मिलता है बाकी अगर बात किया जाए सोनेट की तो सोनेट के अंदर आपको कुछ फंक्शन ज़्यादा मिल जाते हैं जैसे कि अगर बात किया जाए किया की कि जो राइड है वो काफ़ी स्मूदर है स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है कॉर्नर पर किया ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है कार बैठने में और स्पेस और ग्राउंड के लिए इसका ज़्यादा है आपका किया में साथ में इंजन ऑप्शंस जो हैं वो आपको किया में ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं वहीं आपको वेन्यू में थोड़े कम ऑप्शन देखने मिलते हैं टायर साइज भी आपको यहाँ पे वेन्यू कंपेरिजन में ज़्यादा मिलता है साथ साथ में इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर सनरूप भी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है तो चलिए भाई अब बात करते हैं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या मेरे ओपिनियन की कौन सी कार इस प्राइस ब्रेकेट में खरीदनी चाहिए तो यार देखिए वेन्यू यार जो आपको ग्यारह लाख अट्ठाईस हज़ार मिलती है तो इसमें आपको ज़्यादा एयर आपको बोला जाए स्पेस भी कम मिलती है साथ साथ में आपको फंक्शंस भी बहुत कम मिलते हैं यार टायर स्पेस भी कम मिल जाता है अब उसी हान पर अगर बात किया जाए, जाए सोनेट में तो सोनेट में आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाता है अब यार इसके लिए अगर प्राइस ब्रेक पे करेंगे तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होने वाला है सो so, अगर 10 से 11 प्राइस ब्रैकेट को देखा जाए तो आपका यह सोने डेस्टी के ऑप्शन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रह जाएगा वेन्यू को आप ड्रॉप कर सकते हैं और इस कार को जरूर परचेज कर सकते हैं तो चलिए भाई ये तो था मेरा ओपिनियन आपको जैसा लगे आप एक ड्राइव जरूर कर सकते हैं टेस्ट ड्राइव उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को रैपअप करते हैं एंड साथ में ही हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथ साथ में वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें थैंक यू वीडियो को देखने के लिए